सो हाय फ्रेंड्स, आपका अकाउंट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में और उसका आधार ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है, यानी आधार कार्ड लिंक नहीं हुआ है। तो इसलिए एक ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो आप घर बैठे ऑनलाइन आधार कार्ड यानी आधार लिंकिंग कर सकते हैं अपने बैंक में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाला बैंक में कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कोई भी आरडी सर्विस नहीं लेना है, आधार स्कैनर, फिंगरप्रिंट स्कैनर कोई भी नहीं लेना है। सो आपको भी पता है, आप बैंक में जाते हैं आधार कार्ड जुड़ाने के लिए तो उसमें आपको फिंगरप्रिंट नहीं देना पड़ता है, जबकि आप केवाईसी कराते हैं, पेटीएम का केवाईसी कराते हैं उसमें आपका फिंगर मांगता है। लेकिन यहाँ पे बैंकिंग जो सिस्टम है वो लाइसेंस ले चुका है आधार कार्ड से, यानी उसमें आपको फिंगर देने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल उसको आधार नंबर देते हैं तो हो जाता है। इसी तरह आप भी घर बैठे बैठे कर सकते हैं, इसलिए कोई भी स्कैनर नहीं चाहिए, आईडी सर्विस नहीं चाहिए। आप ऑनलाइन यहाँ से आधार नंबर डालेंगे और अकाउंट में डालेंगे, उसके बाद अपना रजिस्टर मोबाइल में डालेंगे और यहाँ से सेंड कर देंगे, तो आपका वो जो आधार टिकट यानी आधार लिंकिंग है जो हो जाएगा। तो मैं आपको लाइव प्रूफ आगे बताने वाला कैसे क्या करना है। वीडियो शुरू करने से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना है, साथ में कमेंट भी ड्रॉप कर देना है। और आपको कमेंट क्या करना है कि कुछ भी इरोर में आता है, वीडियो बनाते समय कुछ भी इरोर आता है तो कमेंट जरूर करेगा क्या इरोर है, मैं उसको इम्प्रूव करने में मतलब इम्प्रूव करूँगा। और मैंने अपने प्ले लिस्ट में बहुत सारे वीडियो डाला हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड, आप उसमें जाके देख सकते हैं। शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, यहाँ पे लिखना है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। तो सॉरी मैं अपने न्यू करता हूँ, होम करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सो मैंने नीचे से इसको उसके कीवर्ड में डाल दिया। अब यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होम, यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर वाला में क्लिक करना है। फर्स्ट में लोकेशन मांग रहा है, अलाउ कर दीजिए, और उसको ये कोरोना ड्यू टू कोरोना का वो है तो उसको काट देना है। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने के बाद नीचे जाइए और नीचे आपको सर्च करना है। सो नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये पेज खुल रहा है, वन सेकेंड खुल गया। अब यहाँ पे मेरे को नीचे दिख रहा है आधार लिंकिंग का ऑप्शन, उसमें क्लिक करना है आधार लिंकिंग। यहाँ पे ओपन करने के बाद अंदर आपको इस तरह का ऑप्शन मिल जाएगा, 10 डिजिट का अकाउंट में डालना है, उसके बाद आधार नंबर डालना है, दो बार वेरीफाई करना है, उसके बाद मोबाइल नंबर डाल के सबमिट करना है। तो उससे पहले मैं कोई एक ये जो टर्म्स ऑफ कंडीशन है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि इसमें क्या क्या दिया गया है सबमिट करने से पहले। और लास्ट में रेट मिल गया है फॉर एवलिंग LPG गैस CD, और लास्ट में दे रहा है प्लीज़ काइंडली विजिट योर ब्रांच। ठीक है, तो ध्यान ना दीजिए कुछ गलत हिंदी उसको कन्वर्ट ना दिया, मैं आपको हिंदी करके मैं आपको एक तरीका समझाता हूँ। मैं एक तरीका बताता हूँ ये इंग्लिश को हिंदी में समझने का, अगर समझ नहीं आ रहा है तो मैं एक फ़ोटो उसका स्क्रीनशॉट काट के छोटा कर लिया हूँ जो इसका हिंदी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मानो बाय द वे इसका हिंदी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है और इंग्लिश में लिखा गया, इसको मेरे को हिंदी में करके पढ़ना है। या मेरे फोटो ट्रांसलेट एक ऐप है जो मेरे फ़ोन के ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो शूट ट्रांसलेट करके यहाँ पे गैलरी में घुस के और फोटो को यहाँ पे लाऊंगा, स्क्रीनशॉट कर लिया हूँ, छोटा कर लिया हूँ, और इसको क्लिक करके यहाँ पे रिकॉग्नाइजिंग करेगा, रिकॉग्नाइजिंग करने के बाद ये हिंदी में कन्वर्ट कर देगा, ट्रांसलेट रिजल्ट करता हूँ, तो आपको हिंदी में सारी चीज़ दे दिएगा जो इंग्लिश में आप समझ नहीं है, हिंदी में आपको थोड़ा समझ जाएंगे। ये चीज़ प्योर हिंदी में लिखा गया है। और जो नीचे वाले की बात कर रहा था LPG GS CD के ICDIC ऑन डिबिटी लाभ उठाए बैंक लिंक कराने के लिए नैतिक VR पर मेहरबानी करे, यहाँ पे काइंडली वर्ड का जो यूज आ रहा है उसको मेहरबानी, इसका हिंदी सेंस मेहरबानी आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको विजिट करना ही पड़ेगा, बस वो फॉर्मेलिटी पूरा करा रहा है कि आप मतलब नज़दीकी ब्रांच में जाके KYC कराए, मतलब ऐसे बोल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब यही दे, ये मतलब नहीं कि काइंडली विजिट ब्रांच बोल रहा है तो विजिट करना ही पड़ेगा तभी मेरे को ऐसे, ऐसा नहीं है, इस पर्पज़ में ये बताया। इसलिए आपने टर्म्स ऑफ कंडीशन तो पढ़ लिया, अच्छा सबसे पहले मैं आपको बता दी यहाँ पे अपना खुद का अपना डालूंगा, लाइफ प्रूफ बताऊंगा, और मेरा जो आधार टिकट है वो लिंक हो चुका है, मेरा आधार कार्ड से मेरे बैंक में लिंक हो चुका है मेरा आधार कार्ड का, तो मैंने कुछ अलग ही इरर बताएगा। लेकिन आपका नहीं हुआ है अभी तो उसमें आपका कुछ अलग इंटरफेस दिखाएगा, मतलब सक्सेसफुल ऐसा कुछ लिखेगा, तो मैं अपना डाल रहा हूँ जो मेरा KYC हो चुका है यानी आधार कार्ड वहाँ जुड़ चुका है। तो यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ कर रहा हूँ, एक बार बहुत बता दूँ। सो यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालूँगा, अकाउंट नंबर तो हो गया, यहाँ मैं फटाफट आधार नंबर डालता हूँ दो बार। री इंटर करता हूँ आधार नंबर, एक बार डालने के बाद दोबारा भी डालना है आधार नंबर, क्योंकि आधार नहीं ऑथेंटिकेट करना है, इसलिए दोबारा मांग रहा है। चलिए ये भी मेरा हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा पीछे एक्सेल करने के बाद यहाँ पे दे रहा है मोबाइल नंबर इंटर करना है नीचे, तो रजिस्टर मोबाइल नंबर में अपना भी इंटर कर देता हूँ।
चलिए सब कुछ हो गया। अभी हमें टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके जो आपने मैं आपको हिंदी में पढ़ाया उसके बाद सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे मेरा ऊपर कुछ हीरो आ रहा है, उसमें बोल रहा है कि आपका ऑलरेडी हो गया है, मतलब सक्सेसफुली नहीं आ रहा है, रेड में आ रहा है, जिससे मतलब मेरा हो गया है। अगर आप नहीं हुआ है तो आपका यहाँ पे ग्रीन भरेगा और यहाँ पे कुछ अलग इंटरफेस आएगा, यानी सक्सेसफुली कर लिया गया है, फिर सबमिट कर लिया है, कुछ तो आएगा नीचे जो रेड में आ रहा है उसको भी बता देता हूँ। तो चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही।